good morning all students. Today we will discuss our subject chemistry. अब chemistry वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि chemistry अपने आप में बहुत tough task होता है, लेकिन इसे हम बहुत easy way में और बिल्कुल ही बिल्कुल simple way में आज हम सीखने वाले हैं कि what is chemistry. अब chemistry क्या होता है? तो first of all, chemistry is the branch of science. हमें क्लियर है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. वी डील्स विद द, किसके साथ हम डील कर रहे हैं? तो डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कोई सा भी सब्सटेंस होता है जिसे हम मानते हैं कि दिस इज मैटर. तो कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू ऑल, उस सब्सटेंस या फिर मैटर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं हमारी केमिस्ट्री में. और आपने कहीं ना कहीं अपनी केमिस्ट्री में ऑलरेडी देखा है पीरियोडिक टेबल को. अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड. जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो इट्स फॉर्म कंपाउंड एंड फॉर्म मिक्सचर. तो हमने देखा कि हमारी जो केमिस्ट्री है इट इज रिलेटेड टू मैटर. और अगर हम मैटर की बात करें कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर इज द ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर. कि अगर हम अपनी केमिस्ट्री को सीखने के लिए अपना पूरा का पूरा यूनिवर्स लेते, तो यूनिवर्स में ऑल थिंग्स, सारी चीजें, सब कुछ, दिस इज कॉल्ड मैटर. और मैटर, उसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज है. इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं अपनी केमिस्ट्री में.